स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभी माथेरान में। इस वीडियो में हम आपको माथेरान हिल स्टेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। माथेरान हिल स्टेशन में टॉय ट्रेन का टाइमिंग क्या होगा, टॉय ट्रेन के टिकट्स की कॉस्ट क्या होगी, माथेरान में आपको लो प्राइस पर होटल रूम्स कहाँ पर मिलेंगे, अगर आप माथेरान एक ही दिन में घूमना चाहते तो आप एक दिन में कौन से टूरिस्ट पॉइंट माथेरान में विजिट कर सकते हैं, साथ ही में अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते तो हॉर्स राइडिंग की कॉस्ट क्या होगी, अगर आप फूडीज लवर है तो इस वीडियो में हम आपको फूड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाले और माथेरान में आपको घूमने के लिए कितना बजट आने वाला है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं हूँ अभी माथेरान के पार्किंग लॉट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत ही बड़ी जगह है। यहाँ पर बाइक का 45 रुपी चार्ज लिया जाता है और कार का 85 रुपी चार्ज लिया जाता है। अगर आप अपनी कार बाइक साथ में लाते तो आप यहाँ पर अपनी कार बाइक पार्क कर सकते हैं। अगर आपको हेलमेट भी यहाँ पे रखना है तो हेलमेट का आपको अलग से चार्ज देना होता है जो कि 50 रुपीज़ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग है। यहाँ पर बाइक का पार्किंग है और वो साइड में कार का पार्किंग है। आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं होने वाली। माथेरान हिल स्टेशन में जब आप एंट्री मारते हो तो 25 रुपीज़ चाइल्ड का लिया जाता है और 50 रुपीज़ अडल्ट का लिया जाता है एज ए एंट्री फीस। रास्ते से जाते वक्त आपको बहुत सारे फ्रूट्स के स्नैक्स नजर आएंगे। अगर आप लेना चाहते तो 10-20 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन मानसून के सीज़न में बहते हुए बारिश के साथ गर्मा गर्म भुट्टा एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहते हुए बारिश के साथ भुट्टे का कुछ अलग ही मज़ा होता है। अगर आप माथेरान में हॉर्स राइड करना चाहते हैं तो हॉर्स राइड का रेट 300 से स्टार्ट होता है जो 2-3 हज़ार तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक हॉर्स राइड करना है। अगर आप जो टांगा हायर करते हैं, जो इंसान खींच कर लेकर जाता है वो वाला टांगा हायर करते तो उसका रेट 600 से शुरू होता है और वो 2-3 हज़ार तक जा सकता है। अगर आपको हॉर्स राइडिंग, टांगा राइडिंग बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगता है तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा माथेरान की टॉय ट्रेन, जो कि बहुत ही लो प्राइस पर आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। ये वीडियो को पूरा देखो क्योंकि वीडियो में मैं आपको आगे टॉय ट्रेन के टिकट्स, टॉय ट्रेन का टाइमिंग, होटल रूम्स, फूड और टूरिस्ट पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे आप एंट्री गेट से आते हैं आपको यहाँ पर टॉय ट्रेन का जो काउंटर है यहाँ से आपको टिकट बुक करना होता है टॉय ट्रेन का, और इसके सामने ही आपको अमन लॉन्च रेलवे स्टेशन नज़र आता है। तो यहाँ से आपकी टॉय ट्रेन माथेरान आपको ड्रॉप करती है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अमन लॉन्च रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉय ट्रेन है। अगर आप टॉय ट्रेन से जाना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से अमन लॉन्च टू माथेरान चलकर जाने वाला हूँ। अगर आप माथेरान में टॉय ट्रेन से जाना चाहते, अमन लॉन्च टू माथेरान टॉय ट्रेन पर पर्सन 45 रुपीज़ चार्ज करता है और छोटे बच्चों का 30 रुपीज़ चार्ज करता है। अगर आप फर्स्ट क्लास से जाना चाहते अमन लॉन्च टू माथेरान आप फर्स्ट क्लास से जाते तो फर्स्ट क्लास का चार्जेस है 305 रुपीज़ और छोटे बच्चों का 180 रुपीज़। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेकेंड क्लास से जाए, जो कि आपको कन्वीनियंट रहेगा और आप 45 रुपीज़ में माथेरान पहुँच जाएंगे। और आपके पास हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन है माथेरान जाने के लिए, टांगा राइड का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है, और थर्ड ऑप्शन आप ट्रैक से चलकर भी जा सकते हैं। अमन लॉन्च टू माथेरान में चलकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको टॉय ट्रेन से जाना है तो आप टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं या फिर आप हॉर्स राइड से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चलकर जाना, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है और ऑलमोस्ट सब लोग चलकर ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ब्यूटीफुल मानसून में जो नेचर है उसके मजे लेते हुए आप टॉय ट्रेन के ट्रैक से चलकर जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है और पूरा फॉगी फॉग है। फॉग की वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मानसून के सीजन में। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको माथेरान एक बार मानसून के सीजन में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। और हमारे सामने से जा रही है टॉय ट्रेन। सो फ्रेंड्स, मैं अभी माथेरान रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माथेरान रेलवे स्टेशन। अमन लॉन्च टू माथेरान मुझे आने में 30 मिनट्स का टाइम लगा। 30 मिनट्स हम चल कर आए और जो डिस्टेंस है अमन लॉन्च टू माथेरान वो 2.5 किलोमीटर है। तो ये वीडियो को पूरा देखो। मैं अभी आपको होटल्स रेट और कौन से टूरिस्ट प्लेसेस एक दिन में एक्सप्लोर करने और फूड्स की कॉस्ट, फूड फैसिलिटी में आपको इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ। माथेरान हिल स्टेशन में अगर आप होटल रूम्स लेकर रुकना चाहते तो माथेरान में आपको 400 से 3,000 तक आपको होटल रूम्स आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है। लेकिन जब वीकेंड होता है माथेरान में तभी सभी होटल रूम्स के रेट्स आपको थोड़े से हाई देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लो प्राइस पर होटल चाहिए तो आपको ये माथेरान का रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। अगर आप ये साइड पे लेंगे, यहाँ पे ये मार्केट एरिया में, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाई कॉस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आप जो रेलवे स्टेशन है उसके इस बाजू में लेंगे लेफ्ट साइड में, तो आपको यहाँ पर जो लोकल्स है
उनका होम स्टे भी रहता है, तो आपको यहाँ पर लो प्राइस में काफ़ी होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ से पूरा नीचे तलक आपको लो प्राइस में होटल्स आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप फूडीज लवर हो तो माथेरान में मैं आपको एक ही सजेशन देने वाला हूँ, यहाँ के जो लोकल लोग फूड स्टॉल लगाते उनसे आप फूड लेना, क्योंकि इनके पास से आपको फूड काफ़ी लो प्राइस में मिल जाएगा, जो कि आपको 10-50 rupees में अवेलेबल हो जाएगा। और ये फूड फुल्ली हाइजीन और क्वालिटी वाला होता है और प्राइस भी लो होता है। अगर आप चाहे तो होटल्स भी ले सकते हैं, माथेरान में आपको सभी प्रकार के फूड्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो अभी हम एक गार्डन के अंदर आ चुके हैं, और एक दिन में आप कितने टूरिस्ट पॉइंट, कितने टूरिस्ट प्लेस माथेरान में एक्सप्लोर कर सकते हैं, सभी टूरिस्ट पॉइंट हम एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी वाटरफॉल्स, लेक, ब्यूटीफुल नेचर, एवरीथिंग, सब कुछ आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गो। एंड हमारा सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस है माधव जी पॉइंट, आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा टूरिस्ट प्लेस है माधव जी पॉइंट, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पूरा फॉगी फॉग है और विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। सो फ्रेंड्स, जो पहला टूरिस्ट पॉइंट है माथेरान में वो हमारा एक्सप्लोर करके हो चुका है, माधव जी पॉइंट। वहाँ पर थोड़ा सा फॉग था इसीलिए विजिबिलिटी कम थी, लेकिन नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल। और माधव जी पॉइंट पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चलते है, अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह करना है, वो गन शूट वगैरह, बॉल थ्रो, वो भी आप कर सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आप मेन मार्केट से जब बाहर आते हैं तो आपको ये दो डाइवर्जन नजर आएंगे, तो आपको ये वाला रूट लेना है, क्योंकि यही से आपको एकदम लाइन से सभी पॉइंट एक्सप्लोर करने इजी रहेगा। सो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इको पॉइंट, पुलिस स्टेशन, लुइजा पॉइंट, हनीमून पॉइंट, हनीमून से हमारा कोई वास्ता नहीं, मलंग पॉइंट, लेकिन हमारा हम ये वाला रूट चॉइस करने वाला, ये सबसे सही है। आपको यहाँ पे नहीं जाना है, अगर आप चलकर जा रहे तो आपको यही से जाना है, ये वाला रूट आपको इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप जब यहाँ से आते हैं तो आपको दो डाइवर्जन नज़र आते, एक यहाँ पे जाता है और एक यहाँ पे जाता है। तो आपको ये येलो कलर का गेट दिख रहा है, आपको यहाँ से अंदर जाना है, वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है, वो सब पॉइंट आपको एक ही लाइन में इसी रास्ते से आप गए तो आपको एक्सप्लोर करने मिलेंगे। सो फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं चार्लेट लेक पर, और चार्लेट लेक माथेरान में मोस्ट फेमस टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हर कोई विजिट करना चाहता है। और मानसून में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, यहाँ से आपको ब्यूटीफुल डैम का व्यू नज़र आता है। और जैसे ही आप चार्लेट लेक से चलकर थोड़ा आगे जाते तो वहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बहते हुआ वाटरफॉल नज़र आता है, जहाँ पर आप बहते हुए वाटरफॉल का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो लेक के पास में आपको होटल्स नज़र आएंगे, जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बहते हुए वाटरफॉल के साथ गर्मा गर्म भजिया और गर्मा गर्म भुट्टा ज़रूर ट्राई करना। हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट है लॉर्ड पॉइंट, आपको लॉर्ड पॉइंट एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड पॉइंट लेक से एकदम नज़दीक ही है। लॉर्ड पॉइंट से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का नज़ारा देखने को मिलता है, यहाँ से आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स बहते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ से आपको ब्यूटीफुल डैम का भी नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन मानसून में थोड़ा सा फॉग होने के कारण विजिबिलिटी कम थी। हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट है सीलिया पॉइंट। सीलिया पॉइंट वाटरफॉल के बिल्कुल पास ही में है, और सीलिया पॉइंट जाने के लिए आपको ये वाला ब्यूटीफुल सा ब्रिज क्रॉस कर उस पर जाना होता है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं सीलिया पॉइंट के टॉप पर, और यहाँ से जो ब्यूटीफुल नज़ारा आता है नेचर का वो बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल बह रहा है नीचे, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जितना ब्यूटीफुल है उतना ही डेंजरस भी है। आप देख सकते हैं बहुत ही फोर्सफुली पानी नीचे गिर रहा है, अगर आप वहाँ पर नीचे जाते हैं मानसून के टाइम पे तो आपके लिए वो रिस्की साबित हो सकता है। तो आपको मानसून के सीजन में सीलिया पॉइंट से दूर ही रहना है। सो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट का नाम है किंग जॉर्ज पॉइंट। तो हम जैसे ही किंग जॉर्ज पॉइंट पर पहुंचे तो हमको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक साथ में बहुत सारे वाटरफॉल्स बहते हुए नज़र आएंगे, और ये वाटरफॉल्स कभी कभी रिवर्स भी हो जाते हैं, यानी कि जब भी जोरों से हवा आती है ये वाटरफॉल्स उल्टी दिशा में बहना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से आपको नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाउड यहाँ पर मूव हो रहा है, और अब तक का सबसे ये यूनिक और सबसे बेस्ट और फेवरेट पॉइंट था किंग जॉर्ज पॉइंट। हमें किंग जॉर्ज पॉइंट पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं वाटरफॉल का नज़ारा, अभी फॉग बीच में आ चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही डेंजरस नज़ारा है आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा स्लिपरी पैच है, यहाँ से आपको संभाल के आना है, नहीं तो आप स्लिप होके यहाँ से नीचे गिर भी सकते हैं। सो बी केयरफुल,
किंग जॉर्ज पॉइंट पे आपको केयरफुली रहना है। सो फ्रेंड्स, किंग जॉर्ज पॉइंट होने के बाद अभी हम इको पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त नजारा है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं इको पॉइंट पर। इको पॉइंट माथेरान का सबसे यूनिक और सबसे अलग टूरिस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को इको पॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ से आवाज लगाते तो आपकी आवाज आपको रिप्लाई देती है, इसीलिए इस जगह को इको पॉइंट नाम दिया गया है। इको पॉइंट माथेरान का मोस्ट विजिटेड और सभी का फेवरेट टूरिस्ट पॉइंट है। इको पॉइंट के बाजू में ही आपको होटल्स नजर आएंगे जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और इको पॉइंट आपको माथेरान अगर आप आते तो इको पॉइंट आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। माथेरान हिल स्टेशन में आप एक दिन में चार्लेट लेक, लॉर्ड पॉइंट, वाटरफॉल, सिलिया पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट और इको पॉइंट, ये सभी टूरिस्ट पॉइंट आप माथेरान में एक दिन में घूम सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।